श्री राम समर्थ जून 7। नित्य नियम का अर्थ क्या, नित्य नियम का मतलब क्या है? नित्य का जो नियम सो सच्चा नित्य नियम है, जो कभी बदलता नहीं वह नित्य। इसका अर्थ है जो पूर्ण शाश्वत है वही सच्चा नित्य है। इसलिए नित्य का अर्थ भगवान समझे, उसका नियम करना यानी क्या करना। नियम करने का अर्थ होता है नियमन करना, निग्रह करना, अपने वश में कर लेना, अपने अधीन रखना। इसका अर्थ यह हुआ कि अपना मन भगवान के अधीन करना, उसे सदा उसके चरणों में रखना, यही नित्य नियम है। आज हमारा मन जैसा है वैसी अवस्था में उसे सब प्रकार से भगवान के अधीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि देह जड़ और अशाश्वत है। इस जड़ और अशाश्वत देह से नित्य और शाश्वत भगवान से नियम होना संभव नहीं है। अतः जो देह से लिया जा सकता है और देह से परे भी है किंतु सूक्ष्म होने के कारण जिसका भगवान से शाश्वत संबंध भी है, ऐसा भगवान का नाम अखंड ले, यह हमारा सच्चा नित्य नियम है। अन्य सभी बातें शास्त्र के बंधन पाले, पोथी पुराण आदि का वाचन करे, स्नान संध्या आदि नित्य कर्म भी करे, पर उन बातों का आग्रह न हो। किसी भी अवस्था में बस भगवान का नाम न छोड़े, यह हमारा हठ क्षम्य है। शुद्ध भावना से नाम लेने पर भगवान दर्शन देते हैं। शुद्ध भावना का फल बहुत बड़ा है। प्रायः गरीब और अनपढ़ लोग ही इस मामले में श्रेष्ठ होते हैं। हम नाम लेते रहें, नाम से भावना शुद्ध होती जाती है। सच पूछो तो आदमी को जीवित रहने के लिए हवा की जितनी जरूरत है उतनी ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक जरूरत परमार्थ में भगवान के नाम की है। भगवान के बिना न रहने का संकल्प हर आदमी को करना चाहिए। भगवान यों ही हट करने या पसीना बहाने से प्राप्त नहीं होते, वह तो सिर्फ प्रेम से वश में होते हैं। प्रेम में परिश्रम और कष्ट शोभा देते हैं और हितकारक भी होते हैं। हम लोग भक्तों का प्रेम नहीं देखते, केवल परिश्रम और हठ देखते हैं। जो व्यक्ति 3.5 करोड़ राम नाम का जप करे उसे भगवान के प्रेम का अनुभव आए बगैर नहीं रहेगा। शंकाएं बहुत छीमड़ होती हैं। 1,00,000 कोशिश करो वे मारने का प्रयत्न करने पर भी मरती नहीं। इसके अलावा कुछ शंकाएं अनुभव और आचरण से ही जाती हैं। अतः मन में शंका होने पर भी नामस्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर नामस्मरण करने पर मन स्वच्छ होते रहता है और सभी शंकाओं का अपने आप विलय हो जाता है। लंका में जब सीता रावण के अशोक वन के बंदीवास में थी तब उसके सहवास में वहां के पेड़ पक्षी पत्थर आए, उनको सबको राम नाम के प्रेम का अनुभव आने लगा, ऐसा वर्णन रामायण में है। राम नाम का प्रेम और भगवान का प्रेम दोनों एक ही हैं। जीवन का सर्वस्व इसी में है कि हमारी अंतिम सांस राम नाम में व्यतीत हो। आज का मुख्य विचार, ध्रुव की तरह नाम में निष्ठा हो, साक्षात भगवान सामने खड़े हुए फिर भी उसने नाम नहीं छोड़ा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।